हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया कुकिंग विद यास्मीन। आज मेरे किचन में बनने वाला है गोभी चिली मसाला। चिली कैसे ये बनता है यास्मीन के किचन में, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हमने यहाँ पे गोभी और जो कैप्सिकम है 3 वेराइटी उसे ले लिए हैं। यहाँ पे पीसेस करके कट कर लिए हैं। यहाँ पे एक जार ले लिए, जार पे डाल देंगे हम एक टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक, एंड उस पर डाल देंगे ओनियन। फिर इसे अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पानी डालेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर में ऐसे भी पानी होता है। देखिए, हमारा मसाला बन के तैयार है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इस पर ऑयल डाल देंगे, गोभी को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा नहीं, स्मॉल मीडियम साइज़ के पीसेस बना कर इसे फ्राई कर लेंगे। क्योंकि बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो क्रंची हो जाएगा। चलिए, और एक कढ़ाई ले लेंगे। फिर इस पर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। फिर इस पर डाल देंगे जीरा, आप हिंग भी डाल सकते हैं। फिर इस पर हम डाल देंगे जो हमारा पेस्ट बनाए थे वो वाला पेस्ट, इस पर ऐड कर देंगे। इस पर डालेंगे शुगर, थोड़ा सा शुगर डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर स्लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे। चलिए, यहाँ पे बना लेते हैं एक पेस्ट। जैसे कि यहाँ पे रेड चिली, सोया सॉस, टमाटो सॉस एंड ग्रीन चिली का सॉस डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा जो सब्जी है उसे हम ऐड कर देंगे मसाले के साथ में। मसाला स्लो फ्लेम पे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब सब्जी को भी इस पे ऐड कर देंगे। सब्जी ऐड करके भी मसाले के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे जैसे कि मसाला एंड सब्जी अच्छे से कोट हो जाएगा। फिर इस पे हम ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ हमारा गोभी। फिर जब हमने जो पेस्ट बनाए थे, जो केचप वाला पेस्ट, उसको भी इस पे ऐड कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम करी पाउडर। फिर इसे मिक्स कर लेंगे और ग्रीन चिली ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो स्टार्टिंग पे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा थिक मसाले के जैसे बनाना है। तो फिर इसे मिक्स करके कवर कर देंगे, लीड कवर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर देखिए, बन के हमारा तैयार है चिली को भी मसाला। इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी एंड थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड की थी ऊपर में। तो ये हमारा बन के तैयार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।